हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, वैसे भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्टूडेंट अगर हो तो आप यहां से 500 से लेकर 1400 तक आप इंस्टेंटली लोन अपने अकाउंट में ले सकते हो या फिर पेटीएम वॉलेट में। तो कैसे ले सकते हो, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप स्टूडेंट हो तो 500 से लेकर आप 1400 या फिर उससे ज्यादा आप इंस्टेंट अकाउंट में ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता देने वाला हूं कि आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपको सबसे पहले गूगल स्टोर में जाना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है Mpokket, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो इंटरफेस ऐसा है। Mpokket फॉर लॉन्च फॉर स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो आपको यहाँ से डाउनलोड करके ओपन कर लेना। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो यहाँ से मैं ओपन हो जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए मैं यहाँ से ओपन हो जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरह का परमिशन मांगे तो आपको परमिशन देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे में गेट स्टार्ट करने का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ से आपको स्टार्ट कर लेना होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपका ये मोबाइल नंबर पूछ रहा है, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। मैं अपना यहाँ पर कोई डिफॉल्ट नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और नीचे से आपको टिक मार्क करना है दोस्तों। फिर से आपको अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पर अलाउ कर देना होगा। दोस्तों, इस नंबर पे आपको OTP गया होगा, जो कि आपको वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन करने के बाद ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, आपको टाइम वेटिंग हो रहा है। लीजिए, ये मेरा हो चुका है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर साइनअप करने के लिए बोला जाएगा। आपका अगर साइनअप फेसबुक अकाउंट है तो आप यहाँ से साइनअप कर सकते हैं, अभी साइन इन। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले साइनअप करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इस पर टैप करता हूँ। दोस्तों, रिलोडिंग लेने के बाद यहाँ पर फेसबुक लॉगिन का ऑटोमेटिक मेरा आईडी आ जाएगा, आप नीचे में देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पर कंटिन्यू करना होगा, तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर लूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी फेसबुक पे लॉगिन हूँ। इससे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ यहाँ से। दोस्तों, कुछ इस तरह का जो भी आपका फेसबुक आईडी का नाम होगा यहाँ से ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता है, तो आप यहाँ से सुधार सकते हो। आप जो आप अपने नाम यहाँ पर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो कि ईमेल आईडी, जो कि मेरे जीमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड था फेसबुक अकाउंट पे, और आपको यहाँ पर पासवर्ड भी एंटर करना होगा ईमेल आईडी के साथ साथ, और नीचे में कन्फर्म पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है दोस्तों। आप नीचे में देख सकते हो फेसबुक आईडी तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो नीचे में सब फिलअप करने के बाद आपको नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और करने के बाद आपको नीचे पे साइनअप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अलाउ का परमिशन मांगे, आपको जो भी परमिशन मांगेगा आपको यहाँ पे अलाउ कर देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलाउ कर दे रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद कुछ अलग सब पेज आपको खुलेगा, ठीक है। दोस्तों, देख सकते हो यू आर करेंटली ए स्टूडेंट एम्प्लॉय फॉर फुल टाइम सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। आपको जो इसमें आप जो भी हो आप यहाँ से कर सकते हो अप्लाई। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। मैं आपको यहाँ पर लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इंस्टेंट अकाउंट में ले सकते हो, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ से आपको फिनिश करना होगा। यदि आपके पास कोई रेफरल कोड है तो आप यहाँ पर रेफरल कोड डाल सकते हो, या नहीं आप नीचे में आप देख सकते हो कि स्किप करने का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अगर रेफरल कोड है तो डाल दो, नीचे नीचे से आप स्किप कर देना, ठीक है। तो यहाँ से मैं नीचे से स्किप कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हो ये Mpokket का ये सर्विस जो है एकदम नॉर्मल सा है। अगर आप रेफर करते हो तो आपको 50 रुपीज का कैशबैक मिलता है, यानी आप इस ऐप्स को कहीं भी दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो आपको 50 रुपीज का कैशबैक मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो टोटल ब्राउजिंग जो भी होता है आपको यहाँ पे अभी करने का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आप अप्लाई फॉर लिमिट जो भी आपको यहाँ पर जो दिख रहा है नीचे में, आपको इस पर क्लिक करना है, तब आप नीचे से आप कोई भी अमाउंट डाल के आप रजिस्टर कर सकते हो। दोस्तों, इसमें बताया जाए आपको प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, क्योंकि प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद 15 से 20 मिनट में आपका अप्रूव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर कुछ कंप्लीट प्रोसेस करने होंगे, जो कि यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ और यहाँ पे नीचे में नेक्स्ट करूंगा। तो चलिए, मैं नीचे से नेक्स्ट कर लिया। दोस्तों, आधार वेरिफिकेशन के लिए कुछ टर्म कंडीशन आपको ओके कर देना होगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आप बारकोड स्कैन करना चाहते हो आधार का, तो आप यहां से कर सकते हो, या फिर अदरवाइज आप डायरेक्ट आप फोटो को स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर में आधार कार्ड का जो नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको नीचे में आप देख सकते हो फ्रंट साइड फोटो, जो कि आपको आधार कार्ड का फर्स्ट जो फ्रंट साइड है वो आपको अपलोड करना होगा। नीचे पीछे और बैक साइड में आप देख सकते हो पीछे का आधार कार्ड का अपलोड करना होगा। इस तरह से अपलोड करने के बाद आपको नीचे पे नेक्स्ट वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। चलिए, यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस कुछ अलग सा कुछ नया इंटरफेस मिलेगा, जो कि वो भी स्टेप हमें फॉलो करने होंगे। तो आप वीडियो हो सकता है लॉन्ग हो जाए, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों कैसे करना है। दोस्तों, आप यहाँ पर कोई भी प्रोफाइल अपना सिलेक्ट कर सकते हो। तो प्रोफाइल पिक्चर मैं यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर ले रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। और आप यहाँ पर अपना जो प्रोफाइल नेम डालना चाहते हो आप डिफॉल्ट डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। और नीचे भी नेक्स्ट कर दूंगा।
तो दोस्तों एक बार फिर से कोई एक नया पेज ओपन होगा जो कि वेरिफिकेशन के लिए होगा। दोस्तों आप देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया जा रहा है कि आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपना डालिए, ठीक है, फुल नेम्स जो भी हो अपना, मिडिल नेम्स, लास्ट नेम्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अपने अनुसार फिलअप करने के बाद आपको नीचे पे क्लिक करना होगा। चलिए मैं फटाफट इसे भर लेता हूँ। अपना मैरिटल वगैरह सब चीज़ सही सही भरेगा दोस्तों, और अपने गार्जियन का नाम, मदर्स नेम, सब चीज़ करने के बाद आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम फटा से नेक्स्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि व्हाट्सएप नंबर आपका यही नंबर है जो आप रजिस्टर किए हो, यदि है तो यस कीजिए, यहाँ था नो कीजिए। चलिए मैं यहाँ से यस कर दे रहा हूँ, आपको जो आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से नेक्स्ट करते हैं नीचे से। दोस्तों पूछा जा रहा है कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप कौन सा देना चाहते हो, तो अपना यहाँ से कोई भी एक नंबर डाल सकते हो। चलिए मैं यहाँ से डाल दे रहा हूँ। दोस्तों आपको आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो कि आधार वेरिफिकेशन दिखा रहे 100% हो चुका है, टेक ए सेल्फी मैंने ले चुका है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए ये सब चीज़ जो कि नहीं हुआ ये अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को यहाँ से कंटिन्यू करना होगा, जो भी है आपको स्टेप पूरा फॉलो करना होंगे, कंप्लीट करने के बाद आपका अप्रूव होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यहाँ परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ अपना एड्रेस डाल दीजिएगा और अपना पिन कोड वगैरह सब चीज़ फिलअप करने के बाद आप यहाँ से नीचे में आपको नेक्स्ट करना होगा। चलिए हम यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपसे कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछा जाएगा, तो आप यहाँ से अपने अनुसार आप क्या है, हॉस्टल में रहते हो, रेंट है क्या, अपने हिसाब से यहाँ पर फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों, ठीक है। अब देख सकते हो आधार वेरिफिकेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो चुका है, सेल्फी वीडियो नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। सेल्फी वीडियो यानी कि अप्रूव करने के लिए कि हमने मैंने यहाँ से रीपेइंग के लिए जो कि लोन लिया है वो रीपेइंग कर सकेंगे, ये अपना एविडेंस होता है, तो आपको यहाँ से रिकॉर्डिंग करना होगा, ठीक है दोस्तों। इस पर टैप करोगे तो आपको यहाँ पर परमिशन मांगेगा, तो आपको यहाँ पर परमिशन दे देना होगा। और आप ऊपर में देख सकते हो टैक्स मिल रहा है आपको, टैक्स इस चीज़ को यहाँ पर पढ़ना होगा, जैसे कि माई नेम इज अमित कुमार विश्वकर्मा, ठीक है, रीपेइंग फॉर द लोन। तो इस टाइप से आपको करने के बाद आप देख सकते हो कि सामने यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, यानी कि अपलोडिंग रिकॉर्डिंग होने के बाद अपलोडिंग हो रहा है। इस तरह का वीडियो अपलोड करने के बाद ये पता चलता है कि आपने एविडेंस दिया है, और ध्यान रहे कि ये वीडियो जब आप बनाओगे तो डे लाइट में आप बनाना, ठीक है, ताकि आपकी क्लियरिटी अच्छा है। ये अपलोड होने के बाद दोस्तों हम नीचे में फिर देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट कर लेना होगा। तो 100% होने के बाद मैं दोस्तों देख सकते हो अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगा। तो चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट करने के बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं आपको क्या क्या करना पड़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हो टोटल मैंने कंप्लीट प्रोसेस कर चुका है, आधार वेरिफिकेशन, टैक्स सेल्फी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, बिट एंड पीस, सब चीज़ वेरिफिकेशन हो चुका है, बस अप्रूव करने की बारी है, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो दोबारा से रिटर्निंग उसी पेज पर आएगा जो एम पॉकेट का इंटरफेस था, अभी वेरिफिकेशन होने के बाद अभी अप्रूव नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। अब देख सकते हो अप्रूव हो गया दोस्तों, ऊपर में नोटिफिकेशन भी आ चुका है, आप यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 500 से लेके 1400 तक या फिर उससे कई गुना ज़्यादा आप इंस्टेंटली ले सकते हो अपने पेटीएम वॉलेट में या फिर अपने बैंक में, किसी भी बैंक में, ठीक है दोस्तों। अगर आप प्रोसेस कंप्लीट नहीं की हो तो दोबारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो उसी चीज़ पे, लेकिन यहाँ पर अगर आपको निकालना हो तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर फिलअप करने के लिए आपको जैसे कि टाइप करोगे तो 500 आप फर्स्ट टाइम निकाल सकते हो। यहाँ पे एक रूल रेगुलेशन है कि आपको फर्स्ट टाइम आपको 500 मिलेंगे, क्योंकि ऊपर में आप देख सकते हो अवेलेबल बैलेंस आपको शो कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप 500 रुपये के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आपको कितने दिन में पे करना है तो आप देख सकते हो, रीपे आफ्टर कितने दिन बाद आपको ये रिफंड करने होंगे, तो एक मंथ बाद, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो कि रिटर्न करने के बाद आपको 550 देना होगा, मतलब 550 आपको यहाँ पर पे करने होंगे, 50 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले रहा, ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसमें। और इसे वेरीफाई करने के बाद आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा। चलिए रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि आपका जो स्मार्टफोन है क्या Mi A1 है, Xiaomi Mi A1 है, यदि हाँ तो यस करें, ये नहीं तो नो करें। तो मेरा Mi A1 है, यानी Xiaomi का सेट है Mi A1, तो मैं यहाँ पे यस करूंगा। तो चलिए यस कर लेता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों लोडिंग लेने के बाद आप देख सकते हो कि आप किस अपने जो मनी रिसीव करने वाले हो किस में रिसीव करने वाले हो, पेटीएम में वॉलेट में करना चाहते हो या फिर बैंक अकाउंट में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पेटीएम में लेने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपको जो अगर बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो तो बैंक अकाउंट में ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर पेटीएम में लेने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम पेटीएम में ले लेते हैं, पे टैप करेंगे दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हो योर मनी विल बी ट्रांसफर टू पेटीएम वॉलेट, यानी कि इस नंबर पे जो भी आपका पेटीएम होगा पेटीएम वॉलेट में आपका ट्रांसफर होगा। तो आपको ये सब टर्म कंडीशन पढ़ने के बाद नीचे में आपको क्लिक करना होगा, यानी कंफर्म पे। चलिए कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो मनी ले रहे हो किस चीज के लिए ले रहे हो, कॉलेज एक्सपेंशन के लिए ले रहे हो, फूडिंग के लिए ले रहे हो, किस चीज के लिए ले रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, जैसे कि कॉलेज हो गया, एक्सपेंस, फूड, एंटरटेनमेंट, मोबाइल रिचार्ज, कन्वेंस, शॉपिंग, और या फिर किसी चीज़ के लिए ले रहे हो, आपको जिस चीज़ के लिए ले रहे हो, मैं यहाँ पर शॉपिंग के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना होगा, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। तो कुछ यहाँ पर टर्म कंडीशन है एग्री करना होगा, यानी इस टर्म कंडीशन को आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, और सारा का सारा टिक मार्क करने के बाद आपको नीचे से नेक्स्ट करना होगा। चलिए यहाँ से नीचे से आई एग्री कर लेते हैं नेक्स्ट।
दोस्तों देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन योर लोन हैव बीन अप्रूव, ये अप्रूव हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब नीचे में आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है, तो आप भी कॉन्टेक्ट आपको नीचे में आपको शो हो रहा हो, आपको यहाँ पे क्लिक करना हो। चलिए यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह का आपको पेज मिलेगा, तो आपको कुछ करना करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा नीचे में एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना हो। चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो RS5 ट्रांसफर हो चुका है पेटीएम वॉलेट में सक्सेसफुली। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि मेरे पेटीएम वॉलेट में रिसीव हुआ है या नहीं। यहाँ पर नीचे में आप गोडिट का ऑप्शन है। ठीक है, अब चलते हैं पेटीएम अपने एप्लीकेशन में, आपको बताएंगे कि कैसे हमें मिला है, मनी वॉलेट में आया है या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। अब देख सकते हो ऊपर में मैसेज आ चुका है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एप्लीकेशन में ले चलते हैं और आपको हम बताएंगे कि पेटीएम वॉलेट में मैंने रिसीव किया या नहीं। ठीक है, देख सकते हो मैंने यहाँ पर पेटीएम का एप्लीकेशन ओपन कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने जाऊंगा फोन बुक में, सॉरी पासबुक में जाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा पासबुक, पासबुक में जाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो पेटीएम वॉलेट में 509 रुपए, यानी कि 9 रुपए पहले से, तो 5 रुपए ऐड हुए हैं। और डिटेल में जाने के लिए आप देख सकते हो राइट साइड में आपको तीर का निशान है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों स्क्रॉल बार करने के बाद आप नीचे में देख सकते हो कैशबैक रिसीव फ्रॉम द एम पॉकेट, आप देख सकते हो 500 यहाँ पर रिसीव हुआ है। तो इस तरह से आप भी एम पॉकेट को इस्तेमाल करके, यदि आप स्टूडेंट हो तो छोटे रकम में आप इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में या फिर पेटीएम वॉलेट में ले सकेंगे। आप देख सकते हैं टाइमिंग वगैरह आपके सामने है, और ऊपर में भी आप देख सकते हो उसी टाइम पे मेरे को रिसीव हुआ है। तो इस तरह से आप भी एम पॉकेट यूज कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपको कैशबैक मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप देख सकते हो कि आज के डेट में अब जब एक्टिविटी आप चेक करोगे तो ऊपर में आप देख सकते हो कि 550 लास्ट जो कि लोन लिया हुआ है, और आपको ड्यू डेट दिखाया जा रहा है कि आप 2 जनवरी को आपको पैड करना होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप ऊपर में देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है जो कि आपको पैड करने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, अगर और भी कोई लोन अप्रूव करने के लिए आप एलिजिबल है या नहीं वो आप यहाँ से देख सकते हो। देख सकते हो ऊपर में, यानी कि आप कोई लोन के लिए अप्रूव किए हुए दोबारा या फिर नहीं, तो मैंने यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं किया है अभी तक। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रांजेक्शन वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया है, और उस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ भी मैंने कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं किया। आपके सामने मैंने नया आईडी क्रिएट किया और आपके सामने मैंने लोन इंस्टेंटली अपने अकाउंट में ले चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा प्रोफाइल, इस तरह से आप भी कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।